नमस्कार जी, ओम शांति, ओम शांति। आज हम बात करते हैं नंबर एट के लोगों का, आखिर कहीं कहीं आता है कि इनके रिश्ते क्यों टूटते हैं। नंबर आठ वाले का, ऐसे लोगों का रिलेशनशिप खराब होना या रिश्ते टूटना किस कारण से होता है और आखिर इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्यों नंबर एट वालों को मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है और इनके रिश्ते कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, सबसे पहले जानेंगे नंबर एट। नंबर एट न्यूमरोलॉजी में काफ़ी फेमस नंबर है, या तो वह फेमस किस वजह से, या तो नंबर एट की पावर, बोलते हैं पावर ऑफ नंबर एट, तो इसके अंदर एक पावर है उसकी वजह से। या तो नंबर क्या होता है कि अपने कर्तव्य, अपने गुण, अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग फेमस हो जाता है। दो रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन नंबर एट क्या है, नंबर एट है शनि का है, इसे शनिदेव रूल करते हैं। काफ़ी है लोग शनिदेव से डरते भी हैं और डरना जायज भी है, क्योंकि क्यों नहीं डरिएगा। नंबर एट है जज का नंबर, कर्म का नंबर, जो आप करते हैं सही या गलत उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देते हैं। तो जब जज को जब फैसला सुनाने की बारी आती है तो लोग तो डरते ही हैं। लौकिक में भी आप अगर कोई गलत या सही फैसला आपका होता है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है, जब जजमेंट का समय आता है तो लोग डरते हैं, पता नहीं हमारे पक्ष में आएगा नहीं आएगा। वैसे ही नंबर एट भी होता है। ये तो नंबर एट क्या है, हमारे कर्म के अकॉर्डिंग रियल में कोई इसमें न घुस चलेगा न कुछ चलेगा, जो आपने किया उसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे, तो डरना चाहिए। क्योंकि नंबर एट और क्या है, ये डिसिप्लिन का नंबर है। कोई भी काम अगर करेंगे तो गलत काम ही करने नहीं देंगे और गलत बात बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल डिसिप्लिन के पक्के हैं। और नंबर एट वाले अगर कोई व्यक्ति अगर नंबर एट में है, नंबर एट से रूल करते हैं, या मूलांक आठ से, मूलांक की आठ यानी आपकी अगर जन्म की तारीख 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख हुआ है तो नंबर एट से रूल करते हैं। अगर नंबर एट वाले कहीं पावर ऑफ पैटर्निंग में है, कहीं पावर में है, तो वहाँ पे ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि गलत नहीं करेंगे और न गलत करने देंगे। और अगर नंबर एट वाले पावर में है तो वहाँ पे सामने वालों को पनिशमेंट देने का भी इनके पास राइट आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि नंबर एट के लोग से डरना बिल्कुल जायज है, क्योंकि नंबर एट कर्म का है, डिसिप्लिन का है, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। इसके साथ साथ क्या होता है, लेकिन नंबर एट यानी कि शनिदेव, शनिदेव क्या है ना कि अपनी कुदृष्टि से, बोलते ना कि शनि का दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो जाएगा। लंका नगरी का आप कहानी सुने होंगे कि शनिदेव को भी रावण ने बांध के रखा था, लेकिन जैसे ही हनुमान जी आए और शनिदेव को जब बंदी से मुक्त कर दिए, तो शनिदेव जैसी दृष्टि देखा लंका पे, तो लंका की हाल क्या होगा, जल के राख हो गए। तो शनि से कुदृष्टि से भी लोग काफी डरते हैं, क्योंकि जब शनि की कुदृष्टि पड़ गई तो समझ ली कि सामने वाला के जीवन में तबाही तबाही मचने वाला, कोई इसका उपाय कोई काट नहीं होगा, जीवन में बर्बादी परेशानियां तबाही आएगा ही, क्योंकि कुदृष्टि यानी कि आपने जो कर्म किया वो गलत किया। आप जो दूसरे के साथ छल करना, चीट करना, गलत कर्म करना, गलत तरीके से पैसे कमाना, या और भी जो भी दुनिया में बहुत सारे गलत काम हैं, जो भी गलत किए उसके अकॉर्डिंग आपको शनिदेव कुदृष्टि डालेंगे और इंसान को बर्बाद करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं शनिदेव को, कि लोग यह भी जानते हैं कि शनि गुरुदेव की अगर कृपा दृष्टि पड़ गई, अभी तो बात की कुदृष्टि की, लेकिन अगर कृपा दृष्टि शनिदेव की पड़ गई जिंदगी में, तो लोगों को कभी भी समस्या नहीं आ सकती, आपके जीवन के सारी समस्याएं को मिटा सकती है। और जहां शनिदेव की कृपा दृष्टि पड़ गई, करुणा दृष्टि पड़ गई, तो समझ लीजिए रातों रात, बोलते ना कि रोडपति से करोड़पति भी बना सकते, इस शनिदेव की पावर। तो शनिदेव होते क्या, नंबर एट वाले की आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप। जो लोग नंबर एट के हैं, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब क्यों होती, कहीं इन्हें शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली देखा जितने भी नंबर एट वाले कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस ज्यादा थी। किस वजह से आते, क्यों होते, क्योंकि यह लोग थोड़े से जो है ना डिफिकल्ट टू हैंडल होते, इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है और लोगों के नंबर की वजह से, क्योंकि इनका सोच, इनका नजरिया, इनका चलने और काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं, ये किसी के अंडर प्रेशराइज होकर काम नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि मैं अपने हिसाब से पसंद करूँ, आप बोलेंगे हाँ जी हाँ करेंगे, बट एक काम करेंगे अपने मन से, सुनेंगे सबका बट करेंगे अपना मन का, ये नंबर एट वाले की क्वालिटी। और जिस घर में नंबर एट के लोग हैं, या किसी व्यक्ति का पार्टनर है, या किसी का वाइफ है, किसी का हस्बैंड है, या किसी के बच्चे भी हैं नंबर एट के हैं,
तो शायद कहीं ना कहीं आप हमारी इस बात से एग्री भी हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं कि कुछ न कुछ तो करेंगे ही, कुछ भी करेंगे, लेकिन नंबर 8 वाले वही करेगा जो उससे अच्छा लगे। अगर आप हमारी इस बात से कहीं के रिलेट करेंगे कि जो करेंगे अपना मन के करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वही करेंगे, जो उसे सही लगेगा, किसी दूसरे के बात से नहीं, वो बोलेगा ये कर लो तो अच्छा रहेगा, दूसरे ने बोला ये कर लो तो अच्छा रहेगा, सबका आप सुनेंगे, बट आपको जो दिल को अच्छा लगेगा वही करेंगे, दूसरे के कहे हुए आपका नहीं करेंगे। तो जो लोग ऐसे होते हैं, और नंबर 8 क्या होता है, थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं, किसी बात को रिजिड होना, जिद पे आ जाना कि नहीं मैं वो नहीं करूंगा, जो मैं समझ में आएगा वही काम करूंगा, तुम्हारा कहा हुआ नहीं करूंगा, कभी कभी बोल देना या उससे भी रिजिड बना, तो इससे क्या होता है ना कि इनके लाइफ का एक प्रिंसिपल, एक रूल बना लेते हैं और अपने उसी रूल पे अपने जीवन में चलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिससे सबसे अच्छा बनती नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं किसी की बात आप नहीं सुनेंगे, अपना बात सुनेंगे, तो ऑब्वियसली है कि दूसरे से आपको बनेगा नहीं। जब दूसरे से बनेगा नहीं, इसका मतलब कि आपका तालमेल भी सबसे अच्छा नहीं होता है, और जब तालमेल अच्छा नहीं होगा तो नंबर 8 के लोग क्या होगा, ऐसे लोग जो होते हैं लोगों से रिश्ता खराब होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग जो है ना, इनसे नंबर 8 वाले से रोमांस और प्यार मोहब्बत का उम्मीद नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों तो उम्मीद तो नहीं करना चाहिए, अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग जो है ना लविंग नहीं होते हैं, केयरिंग नहीं होते हैं, लविंग व्यक्ति भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं, लेकिन नंबर 8 के लोग बहुत से थोड़ा सा बोलते हैं कि ह्यूमिटेरियन भी होते हैं, लोगों को सेवा करने वाला, आप इनके पास कोई काम लेके चले जाए, इनको आपको ये आपके मदद के लिए रहेंगे, क्योंकि नंबर 8 कमिटमेंट के पक्के। अगर 8 नंबर वाले जीवन में अगर आपसे कोई प्रॉमिस कर दिए, अगर वादा कर दिए, तो उस वादा को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और कोशिश करते हैं अपने प्रॉमिस को निभाते हैं, उस प्रॉमिस को तोड़ते नहीं, लेकिन अपने तरीके से, वो भले ही आपको भले बोलते हैं ना कि कोई काम न करते, आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट न देते, लेकिन आपके लिए आपके बुरे वक्त में खड़ा भी रहेंगे, कैसी भी सिचुएशन हो आपके लिए खड़ा भी रहेंगे। तो भी यहाँ पे बात करते, सवाल उठता है कि अगर ये नंबर जो दूसरे लोगों के लिए सबसे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, या बिजनेस हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, उनको लगता है कि कुछ बड़ा एक एम्पायर खड़ा करना चाहिए, बहुत बड़ी इमारतें, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उनकी एक सोच भी होती है, और वो छोटी नहीं बहुत बड़ी है, ऐसा बहुत बड़ा सच है। तो क्या ऐसे लोगों को शादी सक्सेसफुल कर पाते हैं, क्योंकि सोच होती है हमें बिजनेस करना है, बड़ा बनना है, अलग करना। अब एग्जाम्पल में बोलना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, बट इसको आप दूसरे सेंस में, जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री 8 नंबर वाले, इनको जीवन में क्या था, करियर आगे दिखना है, चीज़ें करना है, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, और भी काफ़ी लोग हैं जो नंबर 8 से रूल करते हैं, जिनके मैरिड लाइफ में कहीं कहीं डिस्टर्बेंस आता, क्योंकि करियर को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसको आगे करना चाहते हैं नंबर 8 के लोग। तो देखिए, कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं कि जिसमें कमी नहीं है, कोई ना कोई कमी हर नंबर में होता है। जो कहते हैं कि नंबर 8 वाले की शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मानते हैं, हमारे पास काफ़ी एग्जांपल भी जो आपको प्रधानमंत्री को दिया, ये चीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली लाइफ में नहीं होती है, फैमिली लाइफ में भी उनके डिस्टर्बेंस आते हैं, बट उसको बैलेंस कर सकते। अब जितने भी नंबर 8 वाले हैं, मान के चलिए आपका शादी 1 नंबर वाले से या 4 नंबर वाले से 2 नंबर वाले से हो गया, तो उसको बैलेंस करते हैं, लेकिन कुछ बड़े काम करने के लिए नंबर 8 वाले को जीवन में सैक्रिफाई बोलते हैं कि सैक्रिफाई करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को बलिदान देंगे तो जीवन में आप तरक्की और सक्सेस भी करेंगे। तो नंबर 8 इस मामले में बिल्कुल एकदम जन क्लियर होता है कि इसे अपना गोल और लक्ष्य और एम ऑब्जेक्ट इनको पता है कि हमें क्या करना, हमें मेहनत करना है, पैसे कमाना, आगे बढ़ना। लेकिन अक्सर इनके मैरिड लाइफ जो होती है या रिलेशनशिप होता है, उसमें कहीं कहीं थोड़ा ट्रबल देखा जाता है, समस्याएं आती है, अच्छी नहीं जा पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं कि ये लोग अपना अलग पार्टनर, या आपका नंबर 8 है तो ये पार्टनर अच्छे नहीं होते हैं। और शादी में काफ़ी लोग होते हैं, डरते हैं कि नंबर 8 वाले हैं, शादी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग शादी के नंबर छोड़ देते हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा कोई बात नहीं, नंबर 8 एक अच्छा नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नंबर है, और नंबर 8 के लोग जीवन में अगर मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, पैसे कमाते हैं, बट रिश्ते में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। अब उसके लिए देखा जाता है क्या आपका नेम नंबर करेक्ट है, अगर आपके नेम सही नहीं है तो रिलेशन में समस्या आता है,
आप जिनसे शादी करते हैं क्या आपके मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग है नहीं, या आप अपने मोबाइल नंबर को भी आप देख सकते हैं, जो आपका मिसिंग नंबर है उसको भी आपको रेमेडीज करने की जरूरत है। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपका मैरिड लाइफ फिर से सही हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। ओम शांति।